हो जाते हैं, वहाँ संगीत बोलता है। Going by this, for next, I would like to call upon the stage our very talented actors of 19 batch to present their skit. Wala in GMC Pali. बच्चे हैं जो कोचिंग में अपनी घिसवा के आए हैं। इन्होंने आज से पहले कभी कॉलेज नहीं देखा, और देखा भी तो करण जौहर की फिल्मों वाला, और इनकी एक्सपेक्टेशंस कबीर सिंह वाले। यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स में दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अरे नया बैच आ रहा है, जम के पहले जा रहा वो। अच्छा तुसी सीनियर हो? हाँ जी। ये साडा मुंडा है, सुंदर है। अच्छा कॉलेज का शहंशाह समझ रहे थे, पर इन फुजों को क्या पता कि इनके असली बाप कौन है। तेरा बाप आया। हाँ भाई, क्या चल रहा है? ये सब है क्या? मस्ती मजाक हो रही है? हाँ भाई, आंखें उठा के क्या देख रहे हैं? पूरा देख रहे? आज के बाद अगर किसी ने आंखें उतर के तो पौने का स्टाइल बदल। लाइटर पहुंच गया, लाइटर। एक इधर आ, पोल बन जाए यहाँ पे, और तू छोरियों के आगे पीछे घूमता है, या पोल डांस करके दिखा। चल चिंकली, आ अपने अवतार में। तेरे कुछ दांत निकल रहे हैं? जरा दांत निकाले ना, जरा तो मैं काजल लगा के पूरे कैंपस में घुमाऊंगी। चल यहाँ गाना गा और तू डांस कर। जाने मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, मेरा प्यार है, जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सुनू मेरी डार्लिंग जान। इधर आओ सब। या हुआ किसी के साथ कुछ? नहीं बॉस। किसी ने कुछ देखा? नहीं बॉस। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखो ये कोई रैगिंग वैगिंग नहीं थी, एक सिर्फ हेल्दी इंटरेक्शन था। ठीक है, ठीक है। और तुम में से किसी के साथ कभी रैगिंग हो तो वो आके मेरे से बात करे, मैं एंटी रैगिंग कमेटी की मेंबर हूँ। जहाँ मेडिकल कॉलेज में घुसने का सपना पूरा होता है, दो चार गाड़ी बुलवा लेगा, क्या दिक्कत होगी? पर बस गाड़ी का नाम करने की क्या जरूरत है? अरे दिक्कत
श्रद्धा की ना सोच के होया करे। यह गाड़ी जो सीनियर ने दे दी तो था मैंने गाड़ी बन होगा, और यह गाड़ी जब पिच पे विराट कोहली ने दे दी तो था मैंने कूल और पैशनेट लग गए। अरे यार थारी भलाई है, दड़गा ने हॉस्पिटल में जाओगा, जब मरीज ने थप्पड़ मार दी और गाड़ी बक दी तो क्या वो इलाज ना करोगा के? नहीं बस इलाज तो करना ही है ना। बस तो रैगिंग भी देनी है। जहाँ मेडिकल कॉलेज में घुसने का सपना पूरा होता है, वहीं अटेंडेंस पूरी करने का स्ट्रगल शुरू होता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को बोला था ना फॉर्मल्स में आना और रेड ड्रेस आना है। तुम नटवर सब लोग देखो इसको, लग रहे हैं डॉक्टर? तुम जाओगे इसके साथ? मेरा मतलब है इसके पास इलाज करवाने। कल से क्लीन शेव होना चाहिए। सॉरी मैम। सब लोग वेल ड्रेस लेंगे और अब क्या तुम्हारा पता नहीं क्लास में कैसे आना है? ऐसे बनोगे तुम डॉक्टर? आज जो नाम मेरी बंदूक का है क्लास। सर विच क्लास टुडे? रेस्पिरेटरी सिस्टम सर। पढ़ाई कैसी चल रही है? पीसीटी है सर। कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। बंगाली जोला छाप डॉक्टर बनने आए हो क्या? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? पार्डन जी सर। स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। यस सर। स्पीक फ्रेंकली। पास हो जाओगे? पता नहीं सर। एक ही तरीका है पास होने का, जितने मेरी क्लास में प्रेजेंट हो ट्रस्ट मी यू ऑल आर पास। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। भाई लोग लॉकडाउन लग गया, छुट्टियां हो गई, अब कोई एग्जाम एग्जाम नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। हाय मोदी। पीसीटी में कैंसिल हो गए? अरे पीसीटी तो ठीक है, घर पे पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई तो छोड़ो, यूसीपी कैंसिल ही है। हंसी खेलती जिंदगी में एक भूचाल आ गया और सिर्फ एक मैसेज आ जाने से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। हौसला रखे जरा। नहीं यार एक सेकंड, ये कोई मजाक हो रहा है? अरे यार ईशना एग्जाम्स हो रही है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्यों बैटल फोसा पढ़ाते यार? अरे यार क्यों बैटल फोसा में क्या? एक ये रहा के बैटल फोसा। गुड इवनिंग बॉस। बॉस कल हमारा अनाथ का पेपर है, कुछ भी नहीं आता है बॉस, इम्पोर्टेंस बता दो। ओ अनाथ का पेपर है जी बॉस। इम्पोर्टेंट टॉपिक सुनो, मस्कुलोकुटेनियस नाउ एक्सिलरी, नाउ एक्सिलरी आर्टे डॉर्सलिस पैडी लार्ट डार्ट प्रीट्रिबियल नाउ कॉमन पेरोनियल सुपरमैनोस्क्लेस ऑफ द पेरोनियल कैप्सूल कॉर्पस टेलोसम हिस्टोलॉजी ऑफ स्पीनल हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड। बॉस कौन से चैप्टर में? अरे टेंशन वेंशन लेने का, पूरे साल पढ़े नहीं इसका मतलब थोड़ा ना पास नहीं होंगे। ये देख ये री बुक, ये रहा फर्रा, और ये हो गया अपन पास।
वक्त का सही उपयोग, घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। एग्जाम्स के लिए कितने भी दिन मिल जाएं, दुनिया हिला देने वाली पढ़ाई तो एक दिन पहले ही होती है। May I come in, ma'am? Come in. क्या रोल नंबर है तुम्हारा? 87. बैठो। क्या पढ़ कर आए बेटा? मैम बोन। बोन। एक बोन उठाओ। कौन सी बोन है ये? मैम ये फेशियल बोन। अच्छा, फेशियल बोन? Yes, ma'am. एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना है इसको। ये मैम मैंडिबल, नीचे मैक्सिला, इधर जाइगोमोटिक, कहीं उमर। अच्छा, और ये बीच में जो फोरम है नहीं क्या? मैम बक्कल कैविटी। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी बुक पढ़ते हो बेटा? मैम ग्रेज एनाटॉमी। अच्छा ग्रेज एनाटॉमी। यस मैम। गोल्ड एडिशन। यस मैम। कभी कोई डाउट हो तो हमसे कंफर्म कर लेना प्लीज। यस मैम। पीजी आपके लिए बनी है। थैंक यू मैम। एग्जाम्स की टेंशन खत्म, अब तुझ पे फुल अटेंशन। अरे एक्सक्यूज मी, अरे ये सब क्या हो रहा है? अब टॉप किया है तो सजा तो मिलेगी। अरे टॉप तो मैंने फर्रे बना के अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पे और कितनी देर बैठना पड़ेगा? जब तक वहाँ से एक लड़की नहीं आ जाती। लड़की? और तो उसके लिए तब तक गाना नहीं गा देता। गाना? नो, ये लड़की, ये गाना, ये सब मुझसे नहीं होगा। ए, कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? अरे बता कि तू जाओ, कौन सा गाना गाऊं? अब गाने भी नहीं आते। धन्ना मुन्ना आ रही हूँ, देश का सिपाही हूँ। नहीं ये कौन गाता है? सोल्जर मीठी बातें बोलकर। चांद से है दूर चांदनी कहां। ये मेरी कल्पना थी, अभी अभी तुमने मेरे लिए गाना गाया। नहीं, वो तो मैं नन्ना मुन्ना रही हूँ। क्या? Go ahead and finish the song. I said finish the song. Oh God. लौट के आना है यही तुमको, जा रहे जाओ मेरी जान। क्या चाहिए? वॉक पे जाना था सीनियर के साथ। हाँ, और क्यों जाओ? सोच के बताऊंगी। कटेगा। रे सुनो साले, आज तक कोई सीनियर छोरी किसी जूनियर छोरे से ना पटी थी, ना पटी है और ना पटेगी। क्यों भाई? नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पढ़ी ही नहीं। महफूज रखना, बड़ी ही दूर तक रात ही रात होगी। अगले साल फिर नए फूजे आएंगे, नए किस्से होंगे, कहानियां होंगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।